और मैं हूँ प्रीति और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रेसिपी वीडियो जिसमें हम बनाएंगे पोहा कटलेट्स। और ये ब्रेकफास्ट में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और आप अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आप पोहा खा खा के बोर हो चुके हैं तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी होने वाली है आपके लिए और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है। इसमें ज्यादा इंग्रीडियंट्स का भी कुछ ऐसा नहीं है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। यहाँ पर हमें चाहिए एक कटोरी पोहा। पोहा मोटा या पतला कैसा भी हो सकता है जो आपके घर में अवेलेबल है। उसको हम पानी के साथ धो के आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर हमारा पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम उसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू, जिंजर गार्लिक, कैप्सिकम चॉप्ड अनियन, एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर, ग्रीन चिली, कोरिएंडर एंड सॉल्ट। और मसाले में ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। यहाँ पर हमारा पोहा जो सोख था उसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को पोहे में डालने के बाद हम उसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारा जो भी इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से पोहे के साथ मिक्स होके एक सॉफ्ट डो की तरह तैयार हो जाए। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पाउडर हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा क्रंची हो जाए, थोड़ा सा इसमें कुरकुरापन आए। अब मैं यहाँ पर अच्छे से उसे मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर ये हमारा डो रेडी हो चुका है पोहे का कटलेट बनाने के लिए। पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है सब कुछ। अब हम उसे टिक्की की तरह हाथों पे हथेली पे रख के गोल गोल करके टिक्की का शेप दे देंगे। आप शेप जो भी चाहो दे सकते हो। यहाँ पर टिक्की पे मैंने लगाया है ब्रेड क्रम्स ताकि ये थोड़ा सा क्रंच टेस्ट दे। अगर आपके पास है तो आप भी लगा सकते हैं। अब पैन को गरम करेंगे थोड़ा सा ऑयल डाल के एंड हम अपनी पैटीज और टिक्की को सेक लेंगे तेल के साथ। डीप फ्राई नहीं करना है, याद रखिए, सिर्फ हमें उसको दोनों साइड से अच्छे से क्रंच होने तक सेकना है जैसे यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर हमारी टिक्की और पैटीज पोहा कटलेट रेडी हो चुका है एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और इसमें क्रंच भी है। और मैंने इसे सर्व किया है विद टोमेटो सॉस और रॉ मैंगो चटनी। आप चाहो तो सिर्फ टोमेटो सॉस के साथ ही खा सकते हो बट मैंने यहाँ पर रॉ मैंगो चटनी भी बनाई है। तो यहाँ पर मेरा पोहा कटलेट अच्छे से रेडी हो चुका है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बहुत ज़्यादा इजी भी है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपके गेस्ट आएँ तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास एक न्यू रेसिपी है पोहा कटलेट। आई होप यू ऑल एन्जॉय द वीडियो। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।